हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे फ्राइडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ कहता है कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज सप्लाई कर दे डिफरेंट कंपार्टमेंट हो गए, अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे, तो उसका जो वेट डिपॉजिट होगा अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। आप वेट डिपॉजिट होगा, मान लीजिए आपके क्या है, इसके अंदर कॉपर रख दिए आप, इसके अंदर जिंक रख दिए आप, और इसके अंदर क्या कर दिए, अल्यूमिनियम रख दिए आप। यहाँ पर कॉपर रख देते हैं, यहाँ पर जिंक देते हैं। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट इसके अंदर भी सप्लाई कर दें, इसके अंदर भी सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई कर दें, तो पता चलता है कि ये इसका वेट डिपॉजिट होगा, क्योंकि सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। जब रिएक्टिविटी अलग अलग होगी तो वेट क्या होगा, डिपॉजिट होने का रेट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्योंकि अगर ये रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगा तो जल्दी होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम हो तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा और जल्दी हो जाएगा, तो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होगा। तो देखा गया कि इसका जो है इक्विवेलेंट, यानी कि इसका कॉपर का 63.5 होता है, इसका चार्ज जो सी ओ टू प्लस होता है कॉपर का, तो क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। जिंक का क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट निकाल के ना एटॉमिक वेट बटा क्या करते हम लोग चार्ज लेते हैं, तो एटॉमिक वेट कितना है इसका 63.5, चार्ज कितना होता है 2 प्लस, तो 2 दे देंगे। जिंक का कितना होता है 65.3, इसका चार्ज कितना होता है Zn 2 प्लस, ये भी होता है, तो कितना से डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे। अल्यूमिनियम कितना है 27 होता है, इसका Al 3 प्लस होता है, तो इस चार्ज कितना होगा 3, ये इसका अपने। तो देखा गया इसका इक्विवेलेंट वेट है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है एल्युमिनियम 3 प्लस का, ये जो है आपका इक्विवेलेंट वेट सब जो है अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो यानी कि इसी में थोड़ा सा लगेगा कि अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करेंगे अलग अलग डिफरेंट कंपार्टमेंट होके, तो जो जो इलेक्ट्रोड पर जो डिपॉजिट होगा वेट, वो किसका होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। तो व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, द कनेक्टेड इन द सीरीज में कनेक्ट कर दिए, जब सेम अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई किए, सबको सीरीज में जोड़ दिए, एक सीरीज में सबको सब जोड़ दिए, तो क्या होगा, वेट डिपॉजिट होगा डिफरेंट सब्सटेंस पर प्रोड्यूस एट द सेम इलेक्ट्रोड प्रोपोर्शन टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये फ्राइडे सेकेंड लॉ कहते हैं। ठीक है, इस पर हम आगे सवाल देखेंगे। ठीक है, देख छोटा सवाल है, कहता है कि इसमें कहता है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 50 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 27। ठीक है, 27 वेट है, कितना मोल्स इलेक्ट्रॉन है इसके आपके पास, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यानी कि क्यू बराबर क्या होता है NF, जितना मोल इलेक्ट्रॉन है उतना फ्राइडे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्यू बराबर NF हो जाता है, यानी कि 27 ग्राम के लिए, 27 ग्राम के लिए कितना ग्राम है, क्या होगा रिक्वायर्ड, कितना वेट रिक्वायर, कितना चार्ज NF, N मतलब 3 फ्राइडे। ठीक है, और फ्राइडे का वैल्यू कितना था 96500। तो 1 ग्राम अल्मोनियम कितना, 50 ग्राम देख लीजिए कितना करेगा, तो 3 गुना 96500 बटे 27 गुना 50। ठीक है, जो आंसर होगा लिख दीजिए 3611 कूलम। ठीक है, इसका ये आंसर है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए कहते हैं हाउ मेनी कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर। तो पहला में कि H2O से आपको O2 निकालना है, तो H2O से कहाँ जाना है, O2 जाना है, 2H2 और 2O लेना है, के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमको ये 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ये। ठीक है, तो यहाँ अब ये कितना मोल इलेक्ट्रॉन, 2 के लिए कितना यूज़ कर रहा है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल H2O के लिए कितना रिलीज करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 2 मोल H2O के लिए कितना, 2 मोल के लिए कितना फैटी रिलीज करेगा, 4, तो 1 मोल के लिए कितना करेगा, 2 फ्राइडेज। ठीक है, तो 2 गुना 96500 इतना कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कहता है कि यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, अब कहता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर कि आपको Mn4- से कहाँ जा रहा है, Mn2+। देखिए, अब इसको बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं कि जितना यहाँ पर O है उतना यहाँ पर वाटर जोड़ दीजिए, तो 4O है तो 4H2O जोड़ दीजिए, और जितना H2O उतना इधर H प्लस, उसका डबल कर दिए H प्लस, तो 8H प्लस हो गया। अब चार्ज को क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए, तो चार्ज को बैलेंस करने कितना है, इधर कितना 8 प्लस चार्ज है, तो यहाँ 2 प्लस चार्ज है, तो ये क्या हुआ, 2 प्लस को बैलेंस कर लिया इधर, कितना 6 प्लस चार्ज हो गया, उसमें 1 माइनस चार्ज घटा देंगे
एकदम फाइव प्लस चार्ज होगा, फाइव प्लस चार्ज उसे पाँच इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए, ये हो गया बैलेंस। ठीक है, तो कभी भी MnO4 या K2Cr2O7 या Cr2O7 या जो भी इस टाइप का रिएक्शन हो तो आपको उसको इस टाइप से बैलेंस कर लीजिएगा। तो पाँच यानी कि एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना यूज़ करा है, वन मोल MnO4 कितना फ्राइडे यूज़ कर रहे हैं, फाइव फ्राइडेज, फाइव गुने एफ, फाइव गुने नाइन सिक्स, फाइव डबल ज़ीरो कोलम यूज़ कर लीजिए। ठीक है, थर्ड आप क्या कह रहा है कि वन मोल के लिए कॉपर के लिए देखिए तो Cu2+ से कहाँ जा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो ही Cu जाएगा, तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें से टू फ्राइडे हो जाएगा, तो कितना कूलम चार्ज होगा, टू फ्राइडेज कर दीजिए इसमें, टू गुना नाइन सिक्स फाइव डबल ज़ीरो कूलम हो जाएगा, यानी कि आपका कॉपर Cu2+ कितना रिक्वायर करेगा, तो वन मोल Cu2+ टू Cu के लिए कितना है, टू Cu इतना फ्राइडे चाहिए आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसमें है कि इसमें हम अलग अलग कंपार्टमेंट होके हम क्या करेंगे, सेम करंट को पास कराएंगे, यानी कि हमारा क्या है इलेक्ट्रोलाइट फ्राइडे सेकेंड लॉ पे हम सवाल देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ABC आपका तीन आपका कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो इसमें एक जिंक का सल्फेट लिया हुआ, एक सिल्वर का सल्फेट लिया हुआ, एक कॉपर का सल्फेट लिया, इसका सल्फेट है, सिल्वर का नाइट्रेट है। तो कॉपर से जिंक सल्फेट हम लिखेंगे Zn(SO4), AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, और ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर कॉपर Cu2+ और सल्फेट माइनस, उसी तरह से यहाँ जिंक भी उसी तरह Zn2+ और सल्फेट 2-, यहाँ भी क्या हो गया Ag+ और NO3-। ठीक है, तो ये आपका इसका हो गया, ये आपका इसका हो गया, और ये कॉपर सल्फेट का हो गया। तो इसमें आपका तो कनेक्टर सीरीज में हम कर दिए, और इतना एम्पियर करंट को हम क्या किए पास करें स्टडी थ्रू देम अनटिल इतना ग्राम सिल्वर जो है डिपॉजिट हुआ एट कैथोड पे और बी, यानी बी पे क्या सिल्वर है, कहते कितना टाइम लगेगा फ्लो करने में इतना ग्राम डिपॉजिट होने के लिए। तो आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, E/96500×I×T। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ वैल्यू, इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ AG क्या है, 108 होगा, इसका AG का चार्ज कितना है +1, तो एक दे देंगे, और आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ आ गया वैल्यू 1.50। ठीक है, और डिपॉजिट W कितना है, इतना डिपॉजिट यानी W का वैल्यू दिया 1.45 दिया हुआ है, तो W यहाँ के लिए देंगे 1.45 108/1 यानी 108 ही होगा, /96500×। करेंट कितना दिया 1.50×T, तो टाइम निकाल देखे तो कितना हाउ लॉन्ग, कहता है कि हाउ लॉन्ग पूछा है ना कैंट फ्लो, तो इसे हमको टाइम निकल जाएगा ना वैल्यूज का डिवाइड करने के बाद, यानी कि सब करने के बाद इसमें इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, इतना सेकेंड आ जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट वेट ऑफ सिल्वर कॉपर वेट ऑफ सॉरी कॉपर एंड जिंक डिपॉजिट होगा, तो हम इसमें कौन से इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है, जैसे हमारे ये कहते हैं WA/WB=EA/EB। यहाँ W ए मान लेते हैं हम कॉपर को, यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉपर, ठीक है, और यहाँ हम लिख देंगे हम लोग जिंक, तो Zn हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कॉपर, यहाँ लिख देंगे जिंक। ठीक है, या क्योंकि हम दोनों को नहीं पता है इसमें, एक का तो वेट पता है, तो ऐसा करते हैं कि WAg/W कॉपर ले लेते हैं, ठीक है, बराबर AG/E कॉपर। ठीक है, अब EAG आपको पता है इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट जानते हैं कि क्या होता है, एटॉमिक वेट बटा नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है इसका AG का 1, इसका एटॉमिक वेट 108 होता है /1 हो जाएगा। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का 63.5 होता है एटॉमिक वेट, ठीक है, और कॉपर का चार्ज कितना है आपके पास, +2 चार्ज है, तो +2 चार्ज है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको,
108 × 2/63.5। और इसमें क्या है, वेट पता है किसका, इसका पता है वेट, ठीक है ना। इसमें हम दे देते हैं इसका वेट, इसका वेट दिया हुआ है कितना, 1.4 ग्राम/WCU। तो अब हम WCU निकल जाएगा हमको इससे, ठीक है। WCU का जो वैल्यू हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा लगभग लगभग इतना के बराबर इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है किसका, जिंक का। तो या तो आप सिल्वर दो, आपको इसका भी पता है, कॉपर का भी पता चल गया, एजी का भी पता है, आप एजी से तुलना कर लीजिए या कॉपर से तुलना कर लीजिए, किसी एक से तुलना कर लीजिए। तो इसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, हम लोग WAG/WZinc। WAG कितना होगा, 108/1, 108 को हम एक को हम एक ही रहने देते हैं, बाय क्या होगा, जिंक कितना होता है, 65.3/2 हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इससे हमको एजी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एजी 1.45/ हमको WZinc का निकालना है। तो ये निकालना है, बाकी सब वैल्यू है। तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आएगा WZinc का 0.44 ग्राम। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखें कि इसको, ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ पे सवाल था, यहाँ पर पूछा था। अब क्या है इसमें, हम क्योंकि दो का रेशियो लेना है इक्विवेलेंट वेट का, इसमें वेट कर लेना है, वेट डिपोजिट करना है दो का, क्योंकि सीरीज में जोड़ दिया गया तीन का। तो हम कैसे निकालते हैं, हम इक्विवेलेंट वेट करके, क्योंकि हमारा सेकेंड लॉ कहता है कि अगर अलग अलग कंपार्टमेंटों पर सेम अमाउंट ऑफ करंट अप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो वेट डिपॉजिट होता है अपने इक्विवेलेंट वेट के बराबर डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसमें जो हम लोग WA/WB, WB/WC, अब हम क्या लेते हैं, WA/WB होगा EA/EB, WB/WC होगा EB/EC, EW हो गया वेट और E हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट, इस हिसाब से हम निकालते हैं, ठीक है। कुछ सवाल और देखते हैं, फर्स्ट लॉ पर आप देखते हैं कुछ सवाल, ये दोनों मिक्स सवाल था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कहता है कि सोल्यूशन दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन दिया है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया है, ठीक है, उसको इतना इतना एम्पियर और इतना टाइम के लिए पास कराया गया है, ठीक है ना, आपको करंट मिल गया और टाइम मिल गया। इसका वेट होता है EY 9650×I×T हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसका जो हम वेट निकालेंगे निकेल का, वो हमारा एक्चुअली इसका चार्ज होता है, इसका वेट जो होता है 58.5, यहाँ लिखेंगे हम 58.5/2/965/0×I 2.50 हो जाएगा और T 40×60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्योंकि जब भी हमको लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंड में लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम 40×60 कर देंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सीरीज दिया हुआ है। ये सीरीज हम यानी कि जो SRP स्टैंडर्ड एक्शन पोटेंशियल की जो आपको सीरीज दिया हुआ, ये सीरीज है। याद करने का क्या तरीका है, तो क्या है कि हम बोले कि लाइक आवा सर का न करी मांगता ऑल पानी, मतलब पानी मैंने जिंदा कर फेंक दिया, कौन नहीं सुनता है, कोई कौन नहीं सुनता, सब पब में है ना, कोई अगर होगा विलेन तो पता करो और क्लियर और करो, ठीक है ना, फिर से फिर करो, यानी कि लाइका वासर कान करी मांगता ऑल पानी मैंने जिंदा कर फेंक दिया, कौन ही सुनता है, पब में है सब, पब में है, कोई अगर ब्रिलियंट है तो पता करो और क्लियर फिर करो, यानी लाइका वासर यानी कि हो गया लिथ का, पोटासियम, बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम और सोडियम के लिए उसको हटाइए, मैंने मांगता है MG, अल्मोनियम, पानी हो गया वाटर, मैंने MN, जिंदा जिंक और कर क्रोमियम फेंक दिया, F फेंक दिया, है ना, यह होगा, तो ये क्या होगा, आयरन, ये हो गया कैडमियम, कोनो नहीं यानी कोबाल्ट निकेल सुनता SN, पब में, ठीक है ना, PB हो गया है, H हो गया, कोई अगर कोई CO कॉपर और आयोडीन होगा HG, अगर AG ब्रिलियंट BR, ठीक है ना, और ब्रिलियंट पता करो प्लेटिनम हो गया,
कोई होगा अगर ब्रिलियंट, पता करो और क्लियर और फिर करो, और क्लियर फिर करो, यानी कि लइका बासर का ना करी, मांगता ऑल पानी, मैंने जिंदा कर फेंक दिया, कोनो नहीं सुनता, पब में है सब, पब में है सब। कोई होगा अगर ब्रिलियंट, पता करो और क्लियर और फिर करो। रीडिंग साहब एक सीरीज याद कर सकते हैं। अब सीरीज याद करने से फ़ायदा क्या होगा आपका? ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें क्या है, मैंगनीज, ऐसे किसी भी कोई तीन उठा लीजिए, मैं MnMg अब ले लिया आपने, ठीक है, आप ले लिए MnMn का वैल्यू, ठीक है, फिर Mg का और कैल्शियम का और पीडियम कोई दो ले लीजिए, कहीं से पोटासियम सोडियम कुछ भी लेना, इसका मतलब नीचे वाला का क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा है, इसका ज़्यादा होगा इससे, है ना, नीचे है ये, इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मोर ऑक्साइडिंग एजेंट इन्वर्सिबल टू रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए आपको जैसे क्या है कि ई एनोड होता है और ये कैथोड होता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर आपका जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है, कैथोड पर होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है कहाँ होता है, एनोड पर होता है। तो कैथोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो मोर द रिडक्शन पोटेंशियल मोर द इलेक्ट्रॉन खींचिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, मोर द ऑक्साइडिंग एजेंट बढ़ेगा, है ना। इसे अब दे देगा कि सिंपल सा चीज़ बता सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो ऑक्साइडिंग एजेंट के सीरीज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा होगा, बेरियम कैल्शियम मैंगनीज और MN हो जाएगा आपको रिड्यूसिंग एजेंट का टेंडेंसी। अब इसी में अगर देगा कि रिएक्शन चार पाँच को दे देगा कि कौन किसको रिप्लेस कर सकता है, अगर वैल्यू दिया तो ठीक है, नहीं तो सीरीज से पता कर लीजिएगा कौन किसको रिप्लेस कर सकता है। वो देखिए आप रिप्लेस कैसे समझिएगा कि जैसे क्या है, सबके सबके प्लस चार्ज है, सब पे प्लस चार्ज है तो सब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देता कौन है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेता कौन है, ये वाला कैथोड, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो जो कम वाला होगा ज़्यादा वाला को रिप्लेस कर देगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है ज़्यादा वाला को रिप्लेस कर देगा, यानी इसमें अगर चार पाँच को वैल्यू दिया हुआ जिसका सबसे कम होगा बाकी सबको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन आपका यहाँ है, हाइड्रोजन से ऊपर सब नेगेटिव वैल्यू होता है, हाइड्रोजन का सब पॉजिटिव वैल्यू होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्या होगा ज़्यादा होगा बाकी सबसे, ये क्या है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या H2 बनकर निकल जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जो भी होगा सब हाइड्रोजन क्या करेगा रिलीज करेगा, यानी कि H के ऊपर जो भी वैल्यू होगा ये सब जितना है सब हाइड्रोजन क्या करेगा रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये ढंग से आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर पता है तो आप इस सब टाइप के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जो होगा मोर एक्टिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, और हाइड्रोजन के नीचे जो होगा लेस एक्टिव होता है, ठीक है, इस ढंग से देखते हैं। यानी कि लेसर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है रिप्लेस किसको करता है, हायर रिडक्शन पोटेंशियल वाले को। अगर हम लिखें तो द इलेक्ट्रोड विच हैव लेस रिडक्शन पोटेंशियल रिप्लेस दैट इलेक्ट्रोड विच हैव मोर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, इस तरह से मैंने लेस वाला हाइड वाला को रिप्लेस कर देगा। इस ढंग से आप देख सकते हैं, इस ढंग से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेक्शन का हम यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।